बचपन में सबका सपना होता है एस्ट्रोनॉट बनने का, फिर लगता है कि आईआईटी आईएम से पढ़ लेंगे और ढेर सारा पैसा पीटेंगे, और एग्जाम के ठीक पहले क्या लगता है, भाई 200-400 ले ले, बस पास करा दे। उम्र के साथ सपने छोटे क्यों हो जाते हैं? क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ हमें पता लगने लगता है कि किसी भी चीज को अचीव करने का जो असल प्रोसेस है वो बेहद लंबा होता है। कुछ ऐसा ही मामला स्टार्टअप का भी है। हाय, मैं प्रतीक्षा, स्वागत है आप सभी का योर स्टोरी हिंदी के खास शो स्टार्टअप की पाठशाला में। इस शो में हम स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस से जुड़ी बातें करते हैं। लास्ट वीक मैंने आपको बताया था कि अपने बिजनेस आइडिया की परख कैसे करें, और आज बता रही हूं कि आइडियाज को पेपर वर्क पे यानी कागजों में कैसे लेके आए। तो बिजनेस आइडिया चुनने के बाद बारी आती है उस बिजनेस को रजिस्टर कराने की। एक बिजनेस को रजिस्टर कराना उतना ही जरूरी होता है जितना आज की तारीख में आधार कार्ड होना। इंडिया में आप अपनी कंपनी कई तरीकों से रजिस्टर करा सकते हैं। कई तरीके यानी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से लेकर पब्लिक लिमिटेड कंपनी, सोल प्रोप्राइटरशिप, वन पर्सन कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप जिसे LLP कहते हैं, NGO, NPO, ट्रस्ट या सेक्शन 8 की तरह। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे नाम बताने से अच्छा है कि ये बता दिया होता कि इन्हें सेलेक्ट कैसे करना है तो ज्यादा बढ़िया रहता। तो हमारा जवाब है कि भाई हम किस लिए बैठे हैं। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। इन सभी कैटेगरीज के बारे में हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा काम का ज्ञान। बिजनेस कैटेगरी चुनने से पहले आपको कुछ सवालों के जवाब खुद से पूछने होंगे। सवाल जैसे कि मेरा लॉन्ग टर्म विजन क्या है, बिजनेस को कितना बढ़ाना चाहते हैं, आपकी टीम कितनी है और कंपनी को कितने साल तक आप चलाना चाहते हैं। सभी कैटेगरी के अंदर लाइसेंस, रेगुलेटरी रूल्स, मैनेजमेंट कंट्रोल, टैक्स स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं। इन्हें सही तरीके से पढ़कर ये पता कीजिए कि आपकी जरूरतों के हिसाब से कौन सी कैटेगरी ज्यादा फिट बैठ रही है। जो कैटेगरी आपकी जरूरत पे फिट बैठ रही हो उसके अंडर आप रजिस्ट्रेशन का काम शुरू करवा सकते हैं। आइए जानते हैं कि इंडिया में अभी कंपनियां किस किस कैटेगरी के अंडर रजिस्टर करा सकती हैं और उनके नियम कानून क्या है। पहली और वन ऑफ द पॉपुलर कैटेगरी है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी यानी PLC। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का मतलब है आपने बिजनेस में जितना इन्वेस्ट किया है आप सिर्फ उसी के लिए जिम्मेदार होंगे। PLC शुरू करने के लिए कम से कम 2 लोग चाहिए, अधिक से अधिक 200 शेयर होल्डर्स भी हो सकते हैं। PLC में विदेश के लोग या फिर कोई कॉरपोरेट एंटिटी भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के साथ डायरेक्टर या शेयर होल्डर बन सकती है। फेसबुक, रिलायंस, इंफोसिस, TCS, विप्रो जैसी कंपनियां प्राइवेट लिमिटेड कॉरपोरेशन ही हैं। इस कैटेगरी में स्टार्टअप और नई कंपनियों को कई फायदे भी मिलते हैं, फंड जुटाना भी आसान होता है। चूंकि कंपनी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास रजिस्टर होती है इसलिए भरोसेमंद मानी जाती है। पब्लिक कंपनियों के मुकाबले कागजी काम बहुत कम होता है और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया भी आसान होती है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने के लिए मार्केट में तमाम तरह के बिजनेस लोन्स भी मौजूद हैं। अब आते हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी पर। पब्लिक कंपनी बनाने के लिए कम से कम 3 डायरेक्टर और 7 शेयर होल्डर्स चाहिए होंगे। PLC बनाने के लिए कोई मिनिमम कैपिटल नहीं चाहिए, हाँ लेकिन कम से कम 5 लाख रुपए का कैपिटल शेयरों से जुटाना होगा। इस कैटेगरी का सबसे बड़ा फायदा यह है कि सभी शेयर होल्डर्स पर थोड़ी थोड़ी देनदारी रहती है, इसलिए किसी एक पर ज्यादा बड़ा रिस्क नहीं होता। अगली कैटेगरी है प्रोप्राइटरशिप फर्म। अगर आप अकेले हैं और ज्यादा लीगल पचड़ों में नहीं पड़ना चाहते तो सोल प्रोप्राइटरशिप चुन सकते हैं। इसमें आप सिंगल शेयर होल्डर होंगे, अलग से कंपनी का कोई लीगल नाम रखने की जरूरत नहीं होगी, ना ही कोई रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत होगी। कंपनी की जगह आप अपना नाम भी दे सकते हैं। छोटे स्केल पर बिजनेस चलाना चाहते हैं तो बैंक में एक करंट अकाउंट खोलकर भी काम शुरू कर सकते हैं। इसमें बिजनेस का असेट आपका पर्सनल असेट होगा और बिजनेस लायबिलिटी भी आपकी पर्सनल लायबिलिटी होगी। मतलब अगर आपने बिजनेस लोन पर डिफॉल्ट किया तो बैंक आपकी पर्सनल संपत्ति जब्त कर सकते हैं। इसके कुछ फायदे हैं और कुछ घाटे। फायदा ये कि ये नियम कानून ज्यादा नहीं है तो ज्यादा लागत नहीं है। टैक्स के मामले में भी फायदेमंद है, यानी आपके ऊपर कॉर्पोरेट टैक्स नहीं इंडिविजुअल टैक्स लगेगा। और घाटे की बात करें तो पहचान कम मिलेगी, जो घाटा बिजनेस के हिस्से आएगा वो आपका ही होगा, आप उसे अलग नहीं कर सकते। अब बारी आती है OPC यानी वन पर्सन कंपनी की। ये एंटिटी भी प्रोप्राइटरशिप की तरह ही काम करती है, मगर ये कंपनी एक्ट 2013 के तहत लीगली रजिस्टर्ड होती है। अगर आपको कंपनी खोलनी है तो इसके डायरेक्टर भी आप ही होंगे और इकलौते शेयर होल्डर भी। ओपीसी सिर्फ एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह ही रजिस्टर्ड हो सकती है। रजिस्ट्रेशन के वक्त एक नॉमिनी देना होगा।
कम से कम 1,00,000 रुपए का कैपिटल लगाना होगा। जहां भी कंपनी का नाम इस्तेमाल करेंगे वहां ओपीसी लिखना जरूरी होगा। अब आते हैं पार्टनरशिप फर्म पर। अगर आपने या आपके दोस्त ने मिलकर कंपनी शुरू की है तो आप पार्टनरशिप फर्म चालू कर सकते हैं। दोनों लोगों के बीच पार्टनरशिप अग्रीमेंट बनेगा। इसमें ज्यादा लोग नहीं होते हैं इसलिए इन्हें सेटअप करना काफी आसान होता है। ना कहीं रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत होती है, ना कोई स्टैट्यूटरी ऑडिट और ना कोई एनुअल रिटर्न देने की झंझट। इस कैटेगरी के अंडर कंपनी को बंद करना भी आसान होता है। रिस्क का भार भी सभी पार्टनर्स में बराबर बटा होता है। लेकिन कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी होंगे ही। कोई एक सेंट्रल फिगर नहीं होता इसलिए डिसीजन मेकिंग के समय काफी चिक हो सकती है। पार्टनरशिप कैटेगरी में ही एक और टाइप है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, जिसे LLP कहते हैं। बेसिकली LLP एक तरह से कॉर्पोरेशंस और पार्टनरशिप दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। इस कैटेगरी में कंपनी बनाना पब्लिक लिमिटेड कंपनी के मुकाबले आसान है। कम से कम 2 लोगों के साथ इसे शुरू कर सकते हैं। 2 पार्टनर में से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए। अधिक से अधिक 50 पार्टनर्स रख सकते हैं। जितने पार्टनर होंगे वो बस अपने हिस्से के लिए जिम्मेदार होंगे। अगर कोई दूसरा पार्टनर गलत काम करता है या उसे घाटा होता है तो इसकी भरपाई उसे ही करनी होगी, दूसरे पार्टनर्स पर कोई आंच नहीं आएगी। ये कैटेगरी भी एंटरप्रेन्योर्स के बीच काफी पॉपुलर है क्योंकि इसमें बहुत अधिक नियम कानून या कागजी काम में नहीं उलझना पड़ता। इसे एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर को आसानी से ट्रांसफर किया जा सकता है। डिविडेंड टैक्स नहीं देना पड़ता। पार्टनरशिप फर्म जहां रजिस्टर ऑफ फर्म्स के पास रजिस्टर होती है, वहीं LLP कॉर्पोरेट अफेयर्स के पास रजिस्टर होती है, इसलिए भरोसा ज्यादा होता है। 40,00,000 रुपए से कम टर्नओवर होगा तो ऑडिट कराने की भी जरूरत नहीं होगी। अगली कैटेगरी जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो पहले ही कैटेगरीज से एक मायने में अलग है। ऊपर जितनी भी कैटेगरीज हैं उनका मकसद प्रॉफिट कमाना है, लेकिन अगर आप किसी सोशल कॉज की वजह से बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो ये आपके काम की हो सकती है। सोशल कॉज यानी समाज की भलाई के लिए अगर आप काम करना चाहते हैं तो अपने बिजनेस को ट्रस्ट, सोसाइटी या सेक्शन 8 के नाम से रजिस्टर करा सकते हैं। इस कैटेगरी में बिजनेस को टैक्स के मामले में काफी राहत होती है क्योंकि ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की तरह रजिस्टर होती है। सेक्शन 8 कंपनी को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के जरिए रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। इसकी प्रक्रिया काफी हद तक पब्लिक लिमिटेड कंपनी की तरह ही होती है। बाकी कंपनियों की तरह ही सेक्शन 8 कंपनी को भी एनुअल कंप्लायंस करने होते हैं। ट्रस्ट में किसी प्रॉपर्टी का मालिक अपने असेट को ट्रस्ट में ट्रांसफर करता है। उस प्रॉपर्टी से होने वाला किसी भी तरह का प्रॉफिट सीधे सामाजिक काम के लिए जाता है। तो ये थी कुछ अहम बिजनेस कंपनी कैटेगरीज जिन्हें आप अपनी कंपनी के लिए कंसिडर कर सकते हैं। और इसी के साथ आज की पाठशाला को हम यही खत्म करते हैं। आज की क्लास में हमने समझा कि अपने बिजनेस को किस तरह की एंटिटी बनाना चाहिए, कैसे तय करें कि कौन सी कैटेगरी आपके लिए ज्यादा सूटेबल होगी। अब अगला सवाल है कि इसके बाद क्या? इसके बाद आता है स्टार्टअप के लिए पैसा लाने की प्रक्रिया, यानी फंडिंग के कितने स्टेज होते हैं, फंड जुटाने के लिए किन लोगों के पास जा सकते हैं। इन सभी को हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप क्या करेंगे, आप हमारे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को फॉलो कर लेंगे। चाहे आप हमें ट्विटर पर देख रहे हो, यूट्यूब पर देख रहे हो, फेसबुक पर देख रहे हो, हमें हर जगह फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं अगले हफ्ते। शुक्रिया।